करते हैं, पार्ट एक में से ही जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पहला वाला मैं बताती थी, अब दूसरा वाला है ख नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इसे क्या करना है हमें, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं लिखकर। पहला बता रहे हैं, बालिका सुनहरे पंख पा जाने के बाद क्या करती। बालिका सुनहरे पंख पा जाने के बाद क्या करती, चलिए कविता में हम पढ़े हैं, बताइए। चलिए इसका उत्तर है, बालिका सुनहरे पंख पंख पा जाने के बाद आसमान से भी ऊंची उड़ जाती। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न। ख नंबर का प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बालिका कहाँ और कैसे घोंसला बनाना चाहती है। दूसरा प्रश्न क्या है, बालिका कहाँ और कैसे घोंसला बनाना चाहती है। तो चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं, बालिका कमरे की खिड़की के ऊपर तिनका मेहनत कर के एक घोंसला वहाँ बनाती। उसके बाद है फिर ग नंबर का प्रश्न। ग नंबर में पूछ रहे हैं, बालिका सूरज के उगने से पहले क्या करना चाहती है। क्या पूछ रहे हैं उसमें, बालिका सूरज के उगने से पहले क्या करना चाहती है। इसका उत्तर है, सूरज के उगने से पहले वह जग जाती मीठी 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 गीत सुनाती वह तुम्हें जगाती और उन्हें जगाती।
चलिए इसी के पर हम फिर से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न में पूछ रहे हैं, पालिका सुनहरे पंख पा जाने के बाद क्या करती। उसका उत्तर है, पालिका सुनहरे पंख पा जाने के बाद आसमान से भी ऊंची उड़ जाती। ये हो गया पहला का उत्तर। दूसरा है खवाला, बालिका कहाँ और कैसे घोंसला बनाना चाहती है। उसके बाद उसका उत्तर है, बालिका कमरे की खिड़की के ऊपर तिनका मेहनत करके एक घोंसला वहाँ बनाती। फिर तीसरा नंबर है यहाँ पर, बालिका सूरज के उगने से पहले क्या करना चाहती है। उसका उत्तर है, सूरज के उगने से पहले वह जग जाती, मीठी मीठी गीत सुनाती, वह तुम्हें जगाती और उन्हें जगाती। ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर।